नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 120 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशन। आखिरकार वो टॉपिक आ ही गया है जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी, यानी 119 लेक्चर हमने क्या करे, डिस्कस करे, फिर 119 लेक्चर मैंने यहाँ पर डिलीवर करे और आप लोगों की तारीफ है, आपने उतने लेक्चर देखे और इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं, इस मैक्सवेल इक्वेशन में पहुँचे हैं, जो क्या है, एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। मेरे को याद है जब मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी आज से कम 4 महीने पहले, ठीक, क्योंकि एक दिन में एक लेक्चर आया तो 3 महीने तो ऐसे हो गए। 3-4 महीने पहले जब लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट की थी तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैक्सवेल इक्वेशन कब आएगी, तो आज वो इक्वेशन आ गई है, वो समय आ गया है या वो टॉपिक आ गया है जब आप क्या पढ़ने के काबिल हो गए हैं, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने के काबिल हो गए हैं और यही वो समय है आपको क्या करनी है, आज मैक्सवेल इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन अपने आप में क्या है, बहुत अच्छी इक्वेशन है, बोल सकते हैं बहुत खतरनाक इक्वेशन है, सबको उसका इंतजार था क्योंकि हर जगह पेपर में आती है। आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ले लो, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ले लो, कहीं पर भी आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे वहां पर आपको मैक्सवेल इक्वेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी, अगर आपके सिलेबस में क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, मैक्सवेल्स इक्वेशन, और उसके नीचे एक सब हेड डालो क्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बिफोर मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल कौन है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ इक्वेशन दी, उन इक्वेशन को ही क्या बोल देते हैं हम, मैक्सवेल इक्वेशन बोल देते हैं, यानी उससे पहले की जो कहानी थी एक बार उसको डिस्कस करते हैं लास्ट में। आज का जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो किस में रहेगा कि किस तरीके से मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास आई और उससे पहले की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थी वो क्या थी, उस चीज पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। एक्चुअल में अभी तक हमने जितना डिस्कस किया इन 119 लेक्चर में, हमने जितना कुछ भी डिस्कस किया वो सब की सब जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो क्या है, मैक्सवेल से पहले की है, या उसने मैक्सवेल के वर्क से पहले की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अभी तक जो हमने डिस्कस की है वही क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशन, सॉरी मैक्सवेल से के वर्क से पहले की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो सर तुमने हेडिंग क्या डाली, आपने मैक्सवेल इक्वेशन डाली और इसके नीचे हेड डालो एक सब हेडिंग इस तरीके से, ऐसे हैशटैग बना के इसके नीचे लिखोगे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बिफोर मैक्सवेल, मैक्सवेल से पहले कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो क्या है, ठीक है, कोई बताएगा मेरे को, मैक्सवेल। देखो अभी तक मैं जो डिस्कस किया, एक तो हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, क्या डिस्कस किया था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था, नहीं किया था, हाँ जी किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा था जिस लॉ का नाम क्या था, गॉस लॉ था। क्या डिस्कस किया था हमने यहां पर, गॉस लॉ क्या किया था, डिस्कस किया, ऐसे लिखते चलना, ठीक है, क्या डिस्कस किया था, गॉसियस लॉ क्या क्या था हमने यहां पर डिस्कस किया था। गॉसियस लॉ क्या बोलता था कि अगर मेरे पास क्या है, एक क्लोज सरफेस है, तो उस क्लोज सरफेस से पास करने वाला जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा उसका 1/ε0 टाइम होगा। लेकिन इस गॉस लॉ को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में कैसा लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, ρ/ε0 था या नहीं था, आंसर है हाँ जी था। जहां पर ई क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, रो क्या है मेरे पास, चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन क्या है मेरे पास, कोई कांस्टेंट है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू ρ/ε0, कुछ ऐसा हमने क्या किया था, डिस्कस क्या था, सेड सम इक्वेशन नंबर 1। इसी का हमने जब इंटीग्रल फॉर्म देखा तो कुछ इंटीग्रल फॉर्म कुछ ऐसा निकल के आया था कि क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट था। ये दोनों क्या है, सेम चीज है, ये क्या है, गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है और ये क्या है, गॉस लॉ का हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है, तो इसको क्या नाम दे दो, 1a नाम दे दो, 1a का मतलब इसी का ए पार्ट, यानी इस ये दोनों क्या है, सेम चीज है। एक चीज यहां पर और डिस्कस की थी हमने क्या, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डिस्कस की थी, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला था, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वी हैव कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, यानी हमने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है
वो कर्ल लेस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी उसका कर्ल कितना होता है हमारे पास, जीरो होता है। ये दो चीजें हमने इंपॉर्टेंट कहां डिस्कस कर रखी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करी, डिस्कस करी। फिर हम किसकी ओर बढ़े, हम बढ़े किसकी ओर, मैग्नेटो स्टेट की ओर। और मैग्नेटो स्टेट में हमने क्या बोला कि मैग्नेटो स्टेट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद स्टडी करंट। हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कहां, इन मैग्नेटो स्टेट, कहां पर, इन मैग्नेटो स्टेट। तो मैग्नेटो स्टेट में हमने अगेन, जैसे हमने यहां पर क्या पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा था, यहां हमने क्या पढ़ा, इन मैग्नेटो स्टेट वी हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड वेरी ब्यूटीफुल लॉ एंड दिस लॉ इज एम्पियर लॉ। यहां पर क्या था, हमारे पास एक लॉ था जिसका नाम क्या था, एम्पियर लॉ था। ठीक है, यानी अब भी है, मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं उसको, तभी क्या आ रहा है, था आ रहा है। तो एम्पियर्स लॉ क्या था बताओ फटाफट, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ के भी हमने क्या पढ़े थे, दो फॉर्म पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने क्या, डिफरेंशियल फॉर्म, और एक क्या पढ़ा था हमने यहां पर, इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा था। तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या था इसका, कोई मुझे बताएगा? तो डिफरेंशियल फॉर्म कुछ ऐसा था कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट इंटू जे के बराबर होता है। कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू जे के बराबर होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कर्ल लेस फील्ड, ये कर्ल लेस फील्ड नहीं होता है, ऐसा कुछ ना कुछ क्या होता है, कर्ल होता है, जो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू जे के बराबर होता है, जहां पर जे क्या होती है, हमारी करंट डेंसिटी होती है। अगर मैं इसी को इन इंट्रीगल फॉर्म लिखना चाहता हूं तो कुछ ऐसा लिखता हूं कि क्लोज इंट्रीगेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब यहां पर एक चीज आई क्या, दिस आई इनक्लोज, आई इनक्लोज इज द करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पियर लूप। यानी एम्पियर लूप ने कितनी करंट इनक्लोज कर रखी है, वो क्या होता है यहां पर, ये आई इनक्लोज होता है, जहां ये सॉरी इसके एनालॉगस यहां पर क्या होता है, ई इनक्लोज होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ई इनक्लोज क्या है यहां पर, सॉरी क्यू इनक्लोज क्या है यहां पर, कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। आई इनक्लोज क्या है मेरे पास, द करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पियर लूप। इतनी बात सुन भाई। नाउ अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की थी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। जो मैग्नेटिक मोनोपोल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी वजह से जो डाइवर्जेंस ऑफ बी होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। यहां पर एक चीज तो ये होगी, एक चीज, दो चीज, और जो तीसरी चीज यहां पर निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी, कि डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि जो मोनोपोल होता है इन मैग्नेटो स्टेट, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल क्या नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पर हमको मैग्नेटो स्टेट में एक ये और ये तीन चीजें हमें यहां पर देखने को मिली, और तीनों चीज क्या थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने बात करी किसकी, फैराडे लॉ की। तो थर्ड चीज हमारे पास आया वो क्या था हमारे पास, फैराडे लॉ। क्या था, फैराडे लॉ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ओर हम क्या बढ़े, आगे बढ़े। फैराडे लॉ क्या था, फैराडे लॉ कोई मुझे बताएगा? फैराडे लॉ कहता है कि अगर किसी भी एक लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उस लूप में क्या होता है, कुछ ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूज हो जाता है। क्या होता है, कुछ ईएमएफ इंड्यूज हो जाता है। या फिर ये बोलता है कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है हमारा, चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फैराडे लॉ क्या था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, प्रोड्यूस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सही भाषा क्या है, इंड्यूस, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो कर्ल ऑफ ई इक्वल टू हमने क्या बोला था, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी बोला था। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या करता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है। तो ये हमने क्या पढ़ी थी, वहां पर एक इक्वेशन पढ़ी थी, एंड दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। ये क्या था हमारे पास, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो कॉन्सेप्ट यहां पर दिया, जो कि एक अपने आप में चमत्कारी कॉन्सेप्ट था, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड
चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जैसे यहां पर हमको दिख रहा है चेंज होता हुआ, तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है, समझ भाई बात ना। इसी का क्या हमने इंटीग्रल फॉर्म कैसे लिखा था, कुछ ऐसे लिखा था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डेल बाई डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन, और यहां पर क्या आ गया था, ये बी डॉट डी ए आ गया था। और बी डॉट डी ए क्या होता है, वी ऑल नो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, माइनस का डेल वाई डेल टी ऑफ कितना आ जाएगा, ये फाइव बी आ जाएगा, जहां फाइव बी क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो दिस इज माई इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, ये क्या है मेरे पास, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ है। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या चीजें देखने को मिली, एक तो मेरे पास क्या है, डायवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरा क्या है मेरे पास, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जे, और तीसरी चीज क्या है मेरे पास यहां पर कि डायवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, और चौथी चीज क्या है मेरे पास यहां पर, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी है। नाउ अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो एक चीज कर रहा हूं, जो मेरे पास यहां पर चार इक्वेशन आ रखी हैं, इन चारों इक्वेशन को मैं एक साथ लिखता हूं। देखो चारों इक्वेशन को, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन ये, इन चारों को क्या कर रहा हूं मैं, एक साथ लिख रहा हूं। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी कि डेल क्रॉस, ऐसे लिख के चलो, चार फॉर्मुले है ना, इक्वेशन बोल दो या फॉर्मुले बोल दो, फॉर्मुले ज्यादा अच्छा रहेगा, तो चार फॉर्मुले को एक साथ लिखो। तो फॉर्मुला नंबर वन, तो टिल नाउ ऐसे लिखो, टिल नाउ वी हैव फोर इंपोर्टेंट फॉर्मूला। अब फोर ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उनका इंटीग्रल फॉर्म जो है उसी का पार्ट है, तो सिर्फ चार की बात करते हैं। ठीक है, फोर इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, दैट इज जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है मेरे पास कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या होता है मेरे पास, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां मैंने तीसरा लिखा या दूसरा लिख दिया, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, वो तो सीक्वेंस में मेरी इक्वेशन वन टू थ्री ऐसे आई, लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीका होता है, इसको पहली फॉर्मूला लिखते हैं, इसको सेकंड फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, ताकि जो जहां मैक्सवेल इक्वेशन डिफाइन करेंगे तो वहां पर क्या रहेगी, आसानी रहेगी ओके कोरिलेट करने में। तो थर्ड जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है मेरे पास, दैट इज कर्ल ऑफ ई की बात करते हैं हम, तो कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी होता है। एक चीज यहां पर जो देखो, यहां पर क्या आया, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू जीरो आया, एंड दिस सॉरी कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कितना है, जीरो है, एंड दिस कर्ल ऑफ ई इक्वल टू जीरो ओनली फॉर व्हेन बी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। जब बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी हमारा जो कर्ल ऑफ ई होगा क्या होगा, जीरो होगा। यानी ये जो चीज है यहां पर, ये जो लिखी है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो क्या है, इसी का यानी फैराडे लॉ का क्या है, एक स्पेसिफिक केस है। ये बात समझ में आई बात, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या है, ये है, इसका एक स्पेसिफिक केस क्या है, ये चीज है। ठीक है, हमने वहां भी डिस्कस की थी, एक बार मैंने और बता दिया। नाउ जो मेरे पास यहां पर फोर्थ फॉर्मूला निकल के आएगा, दैट इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट इनटू जे वेक्टर, म्यू नॉट इनटू जे वेक्टर। अब मेरे पास क्या है, यहां पर चार फॉर्मूले हैं। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो चार फॉर्मूले हैं ना, ये मिड 19th सेंचुरी तक की बात कर रहा हूं, ठीक, कहां तक की बात कर रहा हूं, मिड 19th सेंचुरी तक ये चार फॉर्मूले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बॉस हुआ करते थे। ये कहते थे कि अगर आपको ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, चार फॉर्मूले आते हैं तो आपको पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है, आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में सब कुछ पता है। कब तक, मिड 19th सेंचुरी तक। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज हो जो चीज आपको पता होने पर आप ये दावा करते हैं कि आपको उस चीज के बारे में सब कुछ पता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेट, उस मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन की स्टेट बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि राम का डिस्प्लेसमेंट एक्स स्क्वायर है, राम के द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ राम क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो जैसे ही मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मुझे उस राम के बारे में सब कुछ पता है, यानी उसकी वेलोसिटी पता है मेरे को, उसका एक्सेलरेशन पता है मेरे को, उसका अगर मास पता है तो उसका उसमें लगने वाला फोर्स पता है मेरे को। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका, वो क्या है, राम की स्टेट है। क्या है उसकी, ये स्टेट है। सेम तरीके से मिड 19th सेंचुरी तक ये माना जाता था कि अगर आपको ये चार फॉर्मूले पता है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में सब कुछ पता है। यानी टिल मिड 19th सेंचुरी तक ये चार फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं कंबाइनली, दे रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसको रिप्रेजेंट करते थे,
स्टेट ऑफ मैग्नेटिज्म या स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। तो आप लिख के चलेंगे, इसके नीचे लिखना, आप ऐसे में लिखना, कॉपी में ऐसे ऐसे मत लिखना, आप नीचे नीचे को लिखते रहना। आपने यहां तक लिखा होगा, फिर उसके नीचे आपने ये लिखा, ओके। तो इसके नीचे लिख के चलो, दीज फोर फॉर्मूलाज ऐसे हैशटैग बना के लिखना, ठीक है। दीज फोर फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टिल मिड 19th सेंचुरी। और इसी मिड 19th सेंचुरी में जो मैक्सवेल थे, उन्होंने अपना काम करना क्या किया, स्टार्ट किया। उसके नीचे लिखो, एंड दिस वॉज टाइम व्हेन मैक्सवेल स्टार्ट हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ईडी। यही वो समय था, यानी मिड 19th सेंचुरी वो समय था जब मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में काम करना स्टार्ट किया। अब काम करना स्टार्ट किया, इसका मतलब उसे कुछ कमी लग रही होगी ना, कि उस समय तक की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थी, बोलते हैं बिफोर मैक्सवेल जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थी, उसमें कुछ ना कुछ कमी लगी होगी, तभी तो मैक्सवेल ने क्या किया, कुछ काम किया। अब मैक्सवेल ने क्या करी, जो पहली कमी निकाली वो ये निकाली, ठीक है, मतलब एक कमी निकाली, वो कमी क्या है वो देखो। एंड ही फाउंड दैट, ये लिखा ना आपने, दिस वॉज टाइम व्हेन मैक्सवेल स्टार्ट हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एंड ही फाउंड दैट इनकंसिस्टेंसी इन अबव फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखे हुए हैं, इनमें उसे क्या देखने को मिली, कुछ अनियमितता देखने को मिली, या बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली। देखो क्या थी वो अनियमितता या इनकंसिस्टेंसी, वही क्या है, मैक्सवेल की इक्वेशन का ओरिजिन है, ठीक है। मैक्सवेल, तो ये लिखा ना, ये हैसे लिखा, उसके नीचे लिखो, मैक्सवेल फाउंड सम इनकंसिस्टेंसी इन अबव फॉर्मूलाज। नाउ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दैट इनकंसिस्टेंसी, वो अनियमितता क्या थी, वो क्या चीज थी जो मैक्सवेल को नहीं भाई, या बोल सकते हैं वो क्या चीज थी कि मैक्सवेल को यहां पर कुछ चीज मिसिंग लगी, वो क्या चीज थी। देखो मतलब कैसे पता चला कि उनको यहां पर कुछ चीज क्या है, मिसिंग है। देखो उससे पहले हमें एक बड़े ही पुराने रूल के बारे में जानना पड़ेगा, और वो रूल है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो, कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो मैक्सवेल टेक एन ओल्ड लॉ, बहुत पुराना लॉ है, वो क्या है, ओल्ड लॉ, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ, हमने पढ़ा भी होगा जब हम क्या पढ़ रहे थे, वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे, वहां पर मैं डिस्कस भी किया होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, या कभी बीच में क्वेश्चन आएगा वहां पर भी हमने डिस्कस किया होगा, कर्ल इज जीरो। जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी ए इज इक्वल टू जीरो, या फिर एनी वेक्टर क्वांटिटी एक्स वाई जेड, या कुछ भी मान दो, चलो ए बोल दो, ए इज नॉट ए मैग्नेटिक पोटेंशियल ना, ये क्या है मेरे पास, सिंपल ए है, ठीक है, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, ऐसा होता है। नाउ लेट मी चेक दिस सिचुएशन फॉर दीज टू इक्वेशन, क्योंकि इन दो इक्वेशन या इन दो फॉर्मूला में तो क्या आ रहा है, हमारा कर्ल आ रहा है, यहां पर तो इसको लगा नहीं सकते, इस रूल को लगा नहीं सकते, तो रूल कहां लगेगा, या फिर रूल बोला लॉ बोला, रूल बोलो यार, लॉ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बोलो, रूल बोलो, ठीक है। अब इस रूल को मैं कहां कहां लगा सकता हूं, एक इस फॉर्मूले लगा सकता हूं और एक इस फॉर्मूले लगा सकता हूं, तो लेट मी अप्लाई दिस रूल, या फिर मैक्सवेल अप्लाइड दिस रूल इन
फॉर्मूला 3 एंड फॉर्मूला 4। मैक्सवेल अप्लाइड दिस रूल इन फॉर्मूला 3 एंड 4। ओके, तो सबसे मैंने कहां देखते हैं, इन थ्री देखो, ये आना चाहिए हमको, जीरो आना चाहिए कि कर्ल ऑफ ई कितने, सॉरी कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो सबसे पहले कहां देखते हैं, इन फॉर्मूला थ्री। तो थर्ड फॉर्मूले में देखो, तो थर्ड फॉर्मूला है क्या हमारे पास, ये है मेरे पास क्या कि कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कितना है मेरे पास, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाय कितना है, डेल टी है। कितना है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी है। तो टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, तो डाइवर्जेंस ऑफ, तो कितना आ जाएगा ये, डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ, ये आ गया मेरे पास कितना, डेल बी डिवाइड में कितना आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। ये तो जीरो होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा, जीरो हो गया, बिकॉज ये तो क्या होता है, लॉ ही होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल कितना होगा, जीरो होगा। अब इसमें भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अभी जीरो है या नहीं है देखो, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का, अब ये डाइवर्जेंस है, ये भी डिफरेंशिएशन है और ये भी डिफरेंशिएशन है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, डेल बी बाई डेल टी ऑफ कितना आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी आ जाएगा। एंड फ्रॉम सेकंड फॉर्मूला डाइवर्जेंस ऑफ बी इज ऑलवेज जीरो बिकॉज मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सिंस वी नो कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, इफ डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो तो दिस टर्म विल बी जीरो। तो कर्ल ऑफ, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर मेरे पास जीरो आ गया। एंड दिस इज व्हाट वी नीड, ये हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी जो मेरे पास क्या है, थर्ड फॉर्मूला है, वो क्या है मेरा, बिल्कुल सही है। इसमें मैक्सवेल को कोई भी इनकंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो फॉर्मूले को वो, जिस रूल को वो प्रूफ करना चाह रहा था या जिस रूल को वो अप्लाई करना चाह रहा था, वो रूल यहां पर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल कितना निकल के आया, जीरो निकल के आया। अब बात करते हैं किसकी, हमारे पास जो फोर्थ रूल है उसकी बात करते हैं। इन फोर्थ फॉर्मूला नंबर फोर। तो फॉर्मूला नंबर फोर है क्या मेरे पास, तो दैट इज डेल क्रॉस बी इक्वल टू कितना है, डेल क्रॉस बी इक्वल टू मेरे पास कितना है, म्यू नॉट इनटू जे के बराबर है। तो टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, तो मेरे पास क्या निकल के आया, यहां से मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना निकल के आया, म्यू नॉट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ जे निकल के आया। म्यू नॉट कांस्टेंट है, इसलिए डाइवर्जेंस से क्या आ गया, बाहर आ गया। नाउ ये चीज तो जीरो है, अब इसमें भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब जे क्या है मेरा, यहां पर करंट डेंसिटी है। नाउ क्या डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू जीरो होता है, आंसर है डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू जीरो नहीं होता है। बस कुछ स्पेसिफिक केस के लिए ही क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ जे कितना होता है, जीरो होता है। एंड दैट स्पेसिफिक केस इज स्टडी करंट। डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन करंट इज स्टडी। जब करंट क्या होती है, स्टडी होती है, या फिर स्टडी का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने मैग्नेटोस्टेट स्टार्ट किया था और पढ़ा था कि स्टडी करंट का जो करेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, उसके लिए डाइवर्जेंस ऑफ जे कितना होता है, जीरो होता है। या बोल सकते हैं चार्ज पाइल अप नहीं करता है, चार्ज किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होता है, या फिर चार्ज जो चार्ज डेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। यानी वहां पर क्या होगा, जो डाइवर्जेंस ऑफ जे कितना होगा, जीरो होगा। एंड दिस विल जीरो ओनली व्हेन करंट इज स्टडी। तो यहां पर हम लिख के चलेंगे द फॉर्मूला। सो नाउ इन अब के इसे मिटाओ, ठीक है, तो ये हो गया था ना, इसे मिटा देता हूं। देखो नाउ हियर वी हैव ए इनकंसिस्टेंसी। देख इनकंसिस्टेंसी इज, तो फॉर टू बी, ऐसा लिखो टू बी डेल क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, क्या होना चाहिए, जो डाइवर्जेंस ऑफ जे होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। बट दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर स्टडी करंट। जो मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ जे होता है वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब हमारे पास करंट कैसी होगी, स्टडी होगी। नाउ अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि क्या जो हमारा मैक, जो एम्पियर्स लॉ है, जो लास्ट वाली जो फॉर्मूला था, जो फोर्थ फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है,
एम्पियर लॉ है। क्या एम्पियर लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टडी करंट? क्या हम एम्पियर लॉ को बियॉन्ड द मैग्नेटो स्टेट यूज नहीं कर सकते? आंसर है हम नहीं कर सकते। मैक्सवेल ने यह पाया, मैक्सवेल ने यह देखा कि जैसे हम क्या करते हैं, मैग्नेटो स्टेट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी हम कैसी करंट लेते हैं, नॉन स्टडी करंट लेते हैं, तब वहां पर एम्पियर लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ऐसा जो मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली उसे देखने को मिला, मैथमेटिकली उसने यहां पर देखने की मतलब देखा कि जैसे हम क्या करते हैं, मैग्नेटो स्टेट की बाउंड्री को पार करते हैं, यानी करंट कैसी लेते हैं, नॉन स्टडी करंट लेते हैं, वैसे ही हमारा मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। वैसे ही हमारी एम्पियर लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी एम्पियर लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टडी करंट। तो अब लिख के चलेंगे, इट मीन्स, तो ऐसे लिखो, इट मीन्स, इट मीन्स एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ इज वैलिड, वैलिड ओनली फॉर, ओनली फॉर स्टडी करेंट एंड बियॉन्ड द, एंड बियॉन्ड द, क्या लिखा, एंड बियॉन्ड द मैग्नेटो स्टेट, बियॉन्ड द मैग्नेटो स्टेट एम्पियर लॉ फेल, एम्पियर लॉ फेल्स, फेल्ड। यानी बियॉन्ड द मैग्नेटो स्टेट एम्पियर लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और यही क्या थी जो मैक्सवेल ने इनकंसिस्टेंसी देखी, वो यही इनकंसिस्टेंसी थी। समझ में आई बात, जो इनकंसिस्टेंसी की यहां पर बात करी मैक्सवेल ने, वो क्या थी, यही थी कि एम्पियर लॉ फेल बियॉन्ड द मैग्नेटो स्टेट, और वी कैन से वी कैन नॉट अप्लाई एम्पियर लॉ फॉर नॉन स्टडी करेंट। ओके, बात समझ में आई। नाउ इसी चीज को जो हमने यहां पर डिस्कस किया है, इसी चीज को हम एक मतलब डिफरेंट वे में देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से एम्पियर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टडी करंट। ठीक है, बात समझ में आई। तो वी कैन सी सेम सिचुएशन, वी कैन सी अबव थिंग, जो हमने मैथमेटिकली देखी, इसको हम एक एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। तो ऐसे लिख के चलो, वी कैन सी, वी कैन सी सेम थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग का मतलब कि एम्पियर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टडी करंट। ठीक है, सेम थिंग बाई फॉलोइंग वे, बाई फॉलोइंग वे। तो लेट अस कंसीडर, वी हैव ए चार्जिंग कैपेसिटर, हमारे पास क्या है, एक चार्जिंग कैपेसिटर है। लेट अस कंसीडर, कंसीडर वी हैव, वी हैव ए चार्जिंग कैपेसिटर। क्या है हमारे पास, कैपेसिटर है, या फिर उससे पहले ये लिख को चलो, सिंस वी नो जो एम्पियर लॉ होता है क्या होता है, देखो सिंस वी नो, अब लिख देता हूं बेटा दो उसको, ठीक है। तो सिंस वी नो एम्पियर लॉ क्या होता है, एम्पियर लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, ये तो कहता है डिफरेंशियल फॉर्म होता, इंटीग्रल फॉर्म में क्या होता है, दैट इज द क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व सी एंड दिस इज बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इन टू आई इनक्लोज होता है। अब बात आती है किसकी, इस आई इनक्लोज की, वट इज आई इनक्लोज, दिस इज करंट इनक्लोज बाई एम्पियर लूप। जो आई इनक्लोज है मेरे पास वो क्या है, आई इनक्लोज इज करंट, करंट इनक्लोज, करंट इनक्लोज बाई एम्पियर लूप, एम्पियर लूप, एम्पियर लूप के द्वारा जो करंट इनक्लोज है वो क्या है मेरे पास, आई इनक्लोज है। इसको अगर मैं मोर प्रिसाइसली बोलूं और बेहतर तरीके से बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, देखो आई इनक्लोज इज इक्वल टू, देखो अगर मेरे पास ये वायर है, ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने कि ये वायर है और ये क्या है मेरा एम्पियर लूप है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, तो सारे सारे करंट किससे पास कर रही है, इस लूप से पास कर रही है। देखो इसी चीज को मैं ऐसे देख सकता हूं, एक्चुअल में जो मेरे पास एक करंट है ये किसी के को छेद, किसी में छेद करते हुए जा रही है, दिख रहा है आपको, ये जो मेरे पास करंट है ये किस में छेद करते हुए जा रही है, देखो जरा, उस सरफेस को छेद करते हुए जा रही है या उस सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए जा रही है जिस सरफेस की बाउंड्री क्या है, एम्पियर लूप है, दिख रहा है आपको, देखो जरा, अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माई एम्पियर लूप, दिस इज माई एम्पियर लूप एंड दिस इज माई करंट,
वायर एंड दिस इज माई करंट इन दिस डायरेक्शन. सो दिस करंट इज एक्चुअली पेनिट्रेटिंग दिस सर्फेस. जो सर्फेस है जिसको किसने इंक्लोज कर रखा है, इस एम्पियर लूप ने क्या कर रखा है, इंक्लोज कर रखा है. एंड जो एम्पियर लूप है वो क्या है, इस सर्फेस की बाउंड्री है. तो इस चीज को मैं मोर प्रिसाइसली ऐसे बोल सकता हूं कि दिस आई इंक्लोज द करंट विच इज पासिंग थ्रू द सर्फेस हुज बाउंड्री इज एम्पियर लूप, जिसकी बाउंड्री क्या है, एम्पियर लूप है. ठीक है, तो यहां पर जो सर्फेस है मेरे पास, ये सर्फेस है, दिस इज माई सर्फेस, ये तो कवर कर रखा है, ये सर्फेस है. ओके, तो इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, हिंदी में लिखते हैं पर मैं इसको हिंदी में लिखते हैं तो समझो, इसको थोड़ा फील लो, इसी की मतलब इसी का चमत्कार है यहां पर. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो आई इंक्लोज, यह वह करंट है, दिस इज करंट, दिस इज करंट थ्रू सरफेस, थ्रू सरफेस हुज बाउंड्री इज, हुज बाउंड्री इज एम्पियर लूप, इज एम्पियर लूप, जिसकी बाउंड्री क्या है, एम्पियर लूप है. ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी. नाउ अब देखो, अब इसी का खेल है. अब यहां पर हम वो एग्जाम्पल लेते हैं जिस एग्जाम्पल की हम बात करना चाह रहे थे. ठीक है, तो मिटाऊं इसको मैं. देखो क्या हो जाएगा ये. एंड हाँ, अब देखो, तो लेट अस टेक ए कैपेसिटर, ऐसे बोलो, लेट अस टेक ए चार्जिंग कैपेसिटर. एक कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है. ओके, कैपेसिटर इस तरीके से, यहां मेरे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, एक प्लेट यह है इसकी, एंड दिस इज सेकेंड प्लेट. ओके, और इसमें इस तरीके से क्या लगे हैं, ये वायर लगे हैं. ओके, अब इसमें चार्ज करने तो बैटरी लगानी पड़ेगी, तो इसमें बैटरी लगा दो यूं करके. माना इस तरीके से क्या लगा दी इसमें मैंने, एक यूं करके एक बैटरी लगा दी हूँ, और इसमें क्या कर रही है, माना आई करंट क्या कर रही है, इस तरीके से फ्लो कर रही है. तो यहाँ से आई करंट गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये क्या है मेरे पास, इस तरीके से इसमें क्या कर रही है, आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है. ओके, नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूँ कहाँ पर, यहाँ पर. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगाना चाहूँगा तो यहाँ मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक इस तरीके से लूप ड्रॉ करना पड़ेगा. तो लेट मी कंसिडर, दिस इज माई लूप, दिस इज माई लूप विच इज लाइक दिस, तो कुछ इस तरीके से है मेरे पास. ओके, नाउ इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर मैं एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, सिंपल सा आई इनक्लोज चाहिए. तो इससे अब यहां पर मेरे पास जो सरफेस है वो क्या है, ये सरफेस है. मैं कौन सा वाला ले रहा हूं, ये वाला ले रहा हूं, इसको नहीं ले रहा मैं, किसको ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं, कि दिस इज करंट थ्रू सरफेस हुज बाउंड्री इज एम्पियर. अब वो सरफेस कौन सी, देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये वाली, दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल सरफेस हुज बाउंड्री इज एम्पियर लूप, दिस इज सिंपलेस्ट सरफेस. ये सरफेस कौन सा वाला है, ये वाला है, समझ में आ रही बात, ये सरफेस कौन सा वाला है, ये वाला, दिस इज सिंपलेस्ट सरफेस, ये सरफेस है, इस सरफेस की बात हो रही है, दिस इज सिंपलेस्ट सरफेस हुज बाउंड्री इज एम्पियर लूप, जिसकी बाउंड्री क्या है, एम्पियर लूप है. ओके, तो अब अगर मैं इस सरफेस से करंट बोलूं तो कितनी करंट जा रही है, इससे आई करंट जा रही है. तो इस केस में जो आई इंक्लोज हो जाएगा वो किस तरह हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा. नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब सेकंड केस को देखो, मैं थोड़ा सा सरफेस को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं. देखो बाउंड्री तो वही है, बाउंड्री तो एम्पियर लूप है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अपने सरफेस को चेंज कर दूं. थोड़ा देख लो, अज्यूम करो कि मैंने यहां पर क्या किया, इसको ऐसे साबुन का वो है झाग है, साबुन के झाग में मैंने ऐसे, तो ऐसे डाला, जो डाला मैंने साबुन के झाग में, तो उसमें क्या लग जाएगी, झिल्ली लग जाएगी, लग जाएगी झिल्ली. तो झिल्ली अभी इसमें मैं कोई फूक नहीं माना, झिल्ली क्या होगी, जो झिल्ली है वो क्या है, एक सिंपलेस सरफेस है. कौन सी वाली सरफेस है, जो मैंने ऐसे क्या कर रखी है, यहाँ पर डार्क कर रखी है, तो वो सरफेस है कौन सी, झिल्ली. अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फूंक रहा हूँ, ऐसे फूकूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरीके से एक बलून टाइप का बनेगा, एक बलून टाइप की सरफेस बनेगी. अब उस सरफेस की बाउंड्री भी क्या है, यही एम्पियर लूप है. यानी ये सरफेस लूँ या फिर ये सिंपलेस सरफेस लूँ, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात. ठीक है, पहले मेरे पास एक सिंपलेस सरफेस थी, मतलब जो किसकी झिल्ली थी, जो सरफेस की यहाँ पर झिल्ली लगी थी, साबुन की झिल्ली लगी थी, मैंने क्या किया, इसको फूका, फूका तो मुझे यहाँ पर एक बलून देखने को मिला. अब उस बलून की जो बाउंड्री है वो भी यही है, और जो सिंपलेस्ट सरफेस यहाँ पर पहले बनी हुई थी फूक मारने से पहले, उसकी बाउंड्री भी यही है. यानी एम्पियर लूप तो मैंने चेंज नहीं करी. यानी जो आंसर मुझे कहाँ से मिला, इधर से मिला, वही आंसर मुझे कहाँ से मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए जब मेरे पास
जो वो सरफेस हो वो कैसा हो, एक बलून की तरह हो। तो जो सेकंड सरफेस है मेरा, अभी अज्यूम करो अब ये सरफेस नहीं है, अब सरफेस मैंने चेंज कर दिया, सरफेस कौन सा है मेरे पास, ये सरफेस है। नाउ दिस इज माई न्यू सरफेस, ये सरफेस है, ये सरफेस कब मिला, ओके okay? लेकिन इस सरफेस की बाउंड्री भी क्या है, सेम है। अगर मैं इस सेकंड सरफेस पर लगाऊं तो दिस इज माई सिंपलेस्ट सरफेस, ये क्या है मेरे पास, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। और ये क्या है मेरे पास, ऑन द प्लेन ऑफ लूप है, ये एम्पियर लूप, ऑन द प्लेन ऑफ, प्लेन ऑफ एम्पियर लूप, जो एम्पियर लूप का प्लेन है उसी में ये प्लेन बना रखा है, ठीक है। अब दूसरा जो सरफेस है, ये वाला सरफेस है, दिस सरफेस इज बलून शेप सरफेस या बलून शेप्ड, बलून किस में, बलून शेप्ड, बलून शेप का सरफेस है, ओके। नाउ इससे भी आंसर वही आना चाहिए था, तो पहले सरफेस से तो आंसर ये आया, अब सेकंड सरफेस से देखो, सेकंड सरफेस से अगर मैं आई इनक्लोज निकालूं बताओ कितना हो जाएगा, यानी उस सरफेस को कितनी करंट पास कर रही है इस टाइम पर, बताओ कितनी कर रही है, कि यहां कोई करंट है, यहां कोई करंट जा रही है, नहीं जा रही है, तो आई इनक्लोज इस केस में कितना हो गया, जीरो हो गया। इन दिस केस आई इनक्लोज इज जीरो, विच इज एन इनकंसिस्टेंसी, दिस इनकंसिस्टेंसी इज ऑब्जर्व बाई मैक्सवेल। यही जो इनकंसिस्टेंसी हमने मैथमेटिकली देखी, वो कैसे देख लिया, अब हमने एक्सपेरिमेंटली देख ली कि यहां पर एम्पियर लूप बनाने पर आंसर अलग आ रहा है, और ये एम्पियर लूप, सॉरी, यहां पर जो सरफेस है ऐसा लेने पर आंसर अलग आ रहा है, और सरफेस को ऐसा लेने पर आंसर क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। लेकिन अगर एम्पियर लॉ हर जगह एप्लीकेबल होता तो आंसर क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था ना। अब आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, क्या यहां पर सरफेस लेने में, यहां पर सरफेस लेने में क्या सिचुएशन चेंज होगी, आंसर है हाँ जी, सिचुएशन चेंज होगी। यहां पर जो करंट थी, जब मैंने कौन सा सरफेस लिया था, प्लेन सरफेस लिया था, तब यहां पर जो करंट थी वो कौन सी करंट थी, आई करंट थी, यानी कौन सी करंट थी, कंडक्टिंग करंट थी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने सरफेस कौन सा लिया, ये बलून शेप सरफेस लिया, तो यहां पर क्या हुआ, चार्ज क्या हुआ, पाइलअप हुआ, कहां पाइलअप हुआ, चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट पर क्या हुआ, चार्ज पाइलअप हुआ, हुआ नहीं हुआ, देखो इसके अंदर इस कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज क्या हो रहा है, पाइलअप हो रहा है, यानी इस कैपेसिटर पर चार्ज इकट्ठा हो रहा है, और जैसे ही चार्ज इकट्ठा होगा तो दैट करंट इज नो मोर स्टडी करंट, वो अब तो स्टडी करंट वो नहीं है। तो जैसे ही यहां पर नॉन स्टडी करंट आई, एम्पियर लॉ क्या हो गया हमारा, फेल हो गया, हुआ नहीं हुआ, एम्पियर लॉ फेल हुआ। अब इसी को रिजॉल्व करने के लिए, इसी को फिक्स करने के लिए मैक्सवेल क्या आए, सामने आए, और जो इक्वेशन दी वही क्या था, मैक्सवेल का एफर्ट था, और बाकी जो ऊपर की तीन इक्वेशन थी उन्हें एज इट इज ले ली, और तीन इक्वेशन सही थी, लास्ट इक्वेशन में गड़बड़ थी, उसको क्या किया उन्होंने, मॉडिफाई किया। तो अब जो नई हेडिंग आएगी, समझ में आया प्रॉब्लम क्या थी, मैक्सवेल ने क्या प्रॉब्लम देखी, इसी प्रॉब्लम क्या करना है, मैक्सवेल को रिजॉल्व करना है, या बोल सकते हैं फिक्स करना है। तो ठीक है, इसमें लिखो, इसके नीचे लिखो, हाउ मैक्सवेल फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, हाउ मैक्सवेल फिक्स्ड दिस प्रॉब्लम। तो मिटाऊं मैं इसे, मिटाते हैं, प्रॉब्लम किसमें थी, एम्पियर लॉ में थी। तो हेडिंग लिखो, हाउ मैक्सवेल, हाउ मैक्सवेल फिक्स्ड एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ओके। नाउ अब लिखो, सिंस वी नो एम्पियर्स लॉ क्या है मेरे पास, एम्पियर्स लॉ इज, अब उस टाइम पर क्या था ना, उस टाइम पर ऐसे कोई एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट नहीं थे जिसकी हेल्प से मैक्सवेल इस चीज को देख सके कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, थ्योरेटिकली इसको बताना चाहा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में 1888 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, हर्ट्ज़, उन्होंने जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया। लेकिन जो मैक्सवेल का काम था वो कैसा था, एक थ्योरेटिकल काम था। तो थ्योरेटिकली उन्होंने यहां बताया कि यहां पर किस चीज की कमी है और कैसे हम एम्पियर्स लॉ को फिक्स कर सकते हैं ताकि वो हर जगह क्या हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए। या बोल सकते हैं जो हमारे पास कौन सा केस था, एक कैपेसिटर वाला केस था, यहां पर भी हमारा एम्पियर्स लॉ क्या दे, सही आंसर दे, ठीक है। उसको हम एम्पियर्स लॉ नहीं बोलेंगे, फिर उसको क्या बोल देंगे, मैक्सवेल इक्वेशन बोल देंगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ बोल देंगे, ठीक है, मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल। तो सिंस वी नो एम्पियर्स लॉ क्या है हमारे पास, दैट इज डेल क्रॉस
बी इज इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट इंटू जे के बराबर है या नहीं है। तो सेट इज समी क्वेश्चन नंबर वन, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर एक बोल दो, ठीक है। इसको रोमन वाला एक, वैसे वाला एक मैंने पहले ले लिया ना, तो रोमन वाला एक बोलो इसको। तो नाउ टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, क्योंकि डाइवर्जेंस लेने पर ही हमें यहाँ जीरो चाहिए, लेकिन जीरो नहीं आ रहा है। देखो उन्होंने क्या किया, दोनों डाइवर्जेंस ले लिया, तो टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड तो कितना आ गया ये, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू डाइवर्जेंस ऑफ जे आया, आया नहीं आया। एंड सेट इज समी क्वेश्चन नंबर, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर टू बोल दो। यानी यहां पर, यहां तो ठीक है, दैट इज दिस इज जीरो, ओ सॉरी सही है ना, हाँ सही, दिस इज जीरो, ये तो जीरो है, लेकिन यहां जीरो नहीं हो रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ जे जीरो हो रहा है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, स्टडी करंट के लिए। यहां पर ऐसा क्या करें कि हर बार क्या आए, जीरो आए, यानी जब हमारे करंट क्या हो, नॉन स्टडी हो, तब भी यहां पर आंसर कितना आए, जीरो आए, ऐसा क्या करें। देखो मैक्सवेल ने क्या बोला कि सिंस वी नो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ Continuity, what we know that कि divergence of J is equal to कितना होता है हमारे पास, कोई ऐसा होता है माइनस का डेल रो डिवाइडेड बाई डेल टी होता है, होता है नहीं होता है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस का डेल रो डिवाइडेड बाई डेल टी, वेर रो इज चार डेंसिटी, जहां रो क्या है हमारे पास, चार डेंसिटी, ये हमने डिस्कस कर रखा है जब हमने मैग्नेटोस्टेट स्टार्ट किया था, तो वहां पर हमारे पास एक अलग से टॉपिक आया था क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो जाकर आप देख लो, लेकिन हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। नाउ शेड इज समी क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर इस तरीके से थर्ड बोल दो। नाउ सिंस वी नो कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू कितना होता है, रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहां से मेरे पास रो इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई आ गया। तो एक काम करो, इसे यहां थोड़ा काम पुट कर दो, इधर पुट कर दो। नाउ इक्वेशन थ्री बिकम कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का, एंड दिस इज डेल बाई डेल टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कितना आ गया, ये ई आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ई, और दोनों डिफरेंशिएशन है तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये मेरे पास के अंदर निकल गया, डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ई डिवाइड में कितना आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का दिस थिंग एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी, कुछ ऐसा आया, ओके। जैसे डाइवर्जेंस ऑफ जे, डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, यहां पर जो जे है, जे की जगह मैं ये रख दूं, क्या जे की जगह मैं कुछ एक जे की नई वैल्यू पुट करूं, ठीक है। तो उन्हें ये बोला कि जे की जगह मैं खाली जे ना पुट करूं, इस जे की जगह मैं कुछ एक नई वैल्यू पुट करूं, और उस नई वैल्यू में इतना ऐड कर दूं मैं, कितना, इतना कि कितना एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी ऐड कर दूं। जैसे ऐड करूंगा तो डाइवर्जेंस निकालने के बाद आंसर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, थोड़ा बहुत सेंस लगा रहे हो, मैथमेटिक्स है, सिंपल सिंपल क्या है, मैथमेटिक्स है, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल क्या है, मैथ्स है। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू कितना है, माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी है। अगर मैं क्या करूं, यहां पर एक नया जे डिफाइन करूं, कि जे न्यू डिफाइन करूं, मैक्सवेल डिफाइन, मैक्सवेल से मैक्सवेल डिफाइन न्यू जे, न्यू जे जो जे है नई वैल्यू निकाली जे की, एंड दैट न्यू जे, जे न्यू इज इक्वल टू ओल्ड जे, जो जे हम पहले से लिखते हुए आ रहे हैं यहां पर, दिस ओल्ड जे, फिर कितना आ जाएगा, प्लस दिस थिंग जो यहां पर आ रखी है, तो दिस थिंग इज म्यू नॉट, कितना आ जाएगा ये, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी। ये बोला कि न्यू जे, एक नई जे की वैल्यू डिफाइन करी, दैट इज ओल्ड जे प्लस एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी। देखो जैसे मैं जे की जगह, इस जे की जगह क्या पुट करूंगा, न्यू जे पुट करूंगा, आंसर कितना हो जाएगा, उधर जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, देखो जरा ध्यान से, देखो एक बार करके देखें, होगा नहीं होगा, अवश्य बात यार होगा, क्योंकि की हुई चीज है, मैक्सिमम ने कर रखी है, हम कौन सा गलत कर सकते हैं उसको। तो देखो यहां से, नाउ इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू या फिर सेकंड ऐसे लिखो, टू क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कितना आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे न्यू, ओके।
तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड डाइवर्जेंस ऑफ जे एन यू की जो कितना आ जाएगा, दिस इज जे प्लस एप्साइन नॉट इन टू डेल ई डिवाइडेड बाई कितना आ गया, डेल टी आ गया. तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू डाइवर्जेंस ऑफ जे, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ, दिस इज डेल ई डिवाइड में कितना आया, डेल टी आ गया एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. और इसकी वैल्यू कितनी होती है, डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू कितना होता है, इतना होता है. तो ये नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव है, आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू जीरो, ये कितना आ गया आंसर, जीरो आ गया. यानी जो मैं यहाँ पर बोला उन्होंने कि जे न्यू इक्वल टू, यानी एक नया जे डिफाइन किया जहाँ पर हमने इस ओल्ड जे में कुछ क्या करना पड़ा, हमको ऐड करना पड़ा. यानी करंट डेंसिटी में अगर हम ये टर्म ऐड कर दें, अगर सिंपल भाषा में बोलें, अगर हम करंट डेंसिटी में ये टर्म ऐड कर दें तो जो हमारी एम्पियर्स लॉ में इनकंसिस्टेंसी आ रही है वो क्या हो जाएगी, हमारी रिजॉल्व हो जाएगी. ठीक है, सिर्फ एक मैथमेटिकली कैलकुलेट करके उन्होंने ऐसा डिस्कस किया, मतलब ऐसा बताया कि अगर हम सिर्फ क्या करें, जो हमारे पास पुराना वाला जे था उसमें एक और टर्म ऐड कर दें एंड दैट टर्म इज एप्सिलॉन नॉट इन टू डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी, तो सारी समस्या क्या हो जाएगी, हमारी रिजॉल्व हो जाएगी. अब हमारे पास हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है. क्या है कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं है. देखो आ जा रहा आंसर, जो हमको चाहिए था कि कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वो हमारा क्या आ रहा है. ठीक है, समझ में आई बात. ओके, अगर बात समझ में आई तो एक काम करो, नाउ दिस एम्पियर्स लॉ बिकम, या फिर उससे पहले उन्होंने ये जो चीज लिखी है यहाँ पर ना, इसको एक नाम दिया उन्होंने, दिस थिंग एंड ही कॉल्ड दिस थिंग इज डिस्प्लेसमेंट करंट. इसे क्या बोलते हैं, उन्हें डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया. खाली नाम है, इसका करंट से कहीं तक कोई भी मतलब नहीं है. ठीक है, तो दिस थिंग, दिस न्यू थिंग, दिस इज नोन एज, तो मैक्सवेल नेम्ड द टर्म एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी एज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ही इज एंड रिप्रेजेंटेड बाई जे डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इन टू डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी एंड इट हैज नो कनेक्शन विथ करंट. इसका करंट से कहीं से कहीं तक कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेन देना नहीं है. खाली बस नाम है, एक मिसलीडिंग करने वाला नाम है. ओके, लेकिन आपको मिसलीड नहीं करना है. अब मैक्सवेल महोदय ने इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट दिया है, तो हमें भी क्या पढ़ना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट ही पढ़ना पड़ेगा. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी. नाउ एम्पियर्स लॉ बिकम, नाउ आफ्टर मॉडिफिकेशन एम्पियर्स लॉ क्या बन जाएगा, देखो हमारा, दिस बिकम्स कि दिस कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जे न्यू. जे की जो कितना पुट कर दोगे, जे न्यू पुट कर दोगे, और जे न्यू की वैल्यू कितनी है, देखो इधर से लिख लो जे न्यू की वैल्यू. तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू ओल्ड जे, फिर प्लस कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस इज कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू डेल ई, और डिवाइड में कितना आ गया, ये डेल टी आ गया. ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज डाइवर्जेंस, सॉरी कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जे, फिर प्लस कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज डेल ई डिवाइड में कितना आ गया, डेल टी आ गया. ओके, तो दिस इज माई रिलेशन, दिस इज माई मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन. ये क्या है मेरे पास, या बोल सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई. इसको क्या रखना है, आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसने मैक्सवेल की जो इनकंसिस्टेंसी, सॉरी एम्पियर्स लॉ की जो इनकंसिस्टेंसी थी कि वो नॉन स्टडी करंट के लिए अप्लीकेबल नहीं था, नाउ दिस थिंग इज अप्लीकेबल फॉर नॉन स्टडी सिचुएशन टू. अभी हम इसको देख लेंगे, जब वो एग्जांपल था ना हमारा, कौन सा वाला, कैपेसिटर वाला, तो वहां पर इसको हम देख लेंगे. ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये देखो कि इसने तो एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया ही किया, साथ ही साथ एक और रिमार्केबल स्टेटमेंट पास किया. अब देखो, इससे पहले एक रिमार्केबल स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, दैट इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी. इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या था बताओ, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, था या नहीं था, आंसर आज ही था. सेम सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है, देखो इट मीन
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। भैया वो कह रहा है मैं तुझे प्रोड्यूस करूंगा, वो कह रहा है मैं तुझे प्रोड्यूस करूंगा, बस मुझे चेंज कर दो समय के साथ। ये तो हो रहा है यहां पर कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये फैराडे महोदय को क्यों नहीं दिखा? अगर ये हो रहा था तो फैराडे को क्यों नहीं दिखा उनके एक्सपेरिमेंट में? वो इसलिए नहीं दिखा, द लैक ऑफ एपरेटस एंड द नॉट वेल डिफाइंड लेबोरेटरी। उतनी अच्छी लेबोरेटरी उनके पास नहीं थी, उनकी अच्छी लैब नहीं थी, टेक्नोलॉजी उतनी मॉडिफाई नहीं थी, उतनी एडवांस नहीं थी कि वो इस चीज को देख सके, रिवर्स देख सके उसका कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज किसने देखी? ये चीज देखी 1888 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? हर्ट्ज था। उन्होंने इस चीज को क्या किया? ऑब्जर्व किया। कैसे? एक्सपेरिमेंटली। बात समझ में आई आपके? ओके, तो दिस इज अवर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ विच इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं। आपको इसको बस दिमाग में ऐसे बसा लेना है। और जो ऊपर के तीन इक्वेशन है मैक्सवेल की, जो हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी ना, तीन फॉर्मूले ऊपर के, वो एज इट इज होंगे, और नीचे की लास्ट वाली इस तरीके से क्या हो जाएगी? मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो डेल क्रॉस इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस का कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी। नाउ इसी का इंटीग्रल फॉर्म भी हो सकता है। अगर मैं इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो बताओ कैसे लिखूंगा? लिखो इसका इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म कौन कौन लिख सकता है बताओ बराबर? इसका क्या कर दोगे? दोनों ओर ओवर ए सरफेस इंटीग्रेट कर दो। मैं सीधे लिख रहा हूं, ठीक है, मैं सीधे इसका इंटीग्रल फॉर्म लिख रहा हूं। आपको क्या करना है? होमवर्क में इसका इंटीग्रल फॉर्म कैसे आया वो लिखना है, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, जैसे एम्पियर्स लॉ का हमने इंटीग्रल फॉर्म लिखा था ना, वैसे लिखोगे। ओके, तो इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म देखो, तो इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा मेरे पास कितना? क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, आई इनक्लोज दिस इज करंट इनक्लोज यहां से आया, ठीक है, म्यू नॉट आई इनक्लोज फिर प्लस कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डेल ई डिवाइड में कितना आया? डेल टी और डॉट कितना आ जाएगा? डी ए। ठीक है, यहां पर आपने क्या लगाया? स्टोक थ्योरम। यहां पर क्या लगाया आपने कि कितनी करंट क्या करी उससे पास करी उस एम्पियर्स लूप से, और ये तो सीधे सीधे आ गया। ठीक है, यहां पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब जो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी आई थी ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर, उसे क्या कर देंगे? हम रिजॉल्व कर देंगे। देखो फटाफट रिजॉल्व करते हैं, तो बिना कोई देर किए हुए। तो ये क्या था मेरे पास? इस तरीके से एक कैपेसिटर था यूं करके, और इसमें हमने क्या किया था? इस तरीके से बैटरी लगाई थी। ओके, और इसमें कुछ आई करंट क्या कर रही थी? फ्लो कर रही थी यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे। पहले केस में हमने क्या लिया था? ये हमारी लूप थी। फर्स्ट केस में लूप ये थी, और ये क्या था मेरे पास? सरफेस था। तो फर्स्ट केस में देखो, अब फर्स्ट केस में ये मेरे पास क्या है? लूप है, दिस इज माई लूप। और यहां पर देखो इसमें कितना चार्ज होगा? माइनस में प्लस क्यू चार्ज है, माइनस में माइनस क्यू चार्ज है, या प्लस क्यू चार्ज है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो एक में प्लस क्यू होगा, एक में माइनस क्यू होगा। तो एक काम करो, इसको उल्टा कर दो, इसको ऐसा बना दो, ये छोटा ये बड़ा। तो इसे प्लस क्यू करना चाह रहा था ना मैं, तो इसे प्लस क्यू कर दो, इसे माइनस क्यू कर दो, और करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, करंट कैसे होगी? ऐसे होगी, करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई करंट क्या कर रही है हमारी? फ्लो कर रही है। और इन दो प्लेटों के बीच अगर मैं ये अज्यूम करूं, दीज बोथ प्लेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों जो प्लेट है वो क्या है? एक दूसरे के बहुत पास है। तब इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा वो कितना हो जाएगा? सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा बोलो, इसके जो प्लेट का सरफेस एरिया है वो कितना है? ए है। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ओके, इन मैग्नीट्यूड, या फिर बोलते हैं ऐसे भी। ओके, तो अगर मुझे क्या निकालना है? डेल ई बाई डेल टी निकालना है। तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं? डेल ई बाई डेल टी निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू वन ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया यहां पर? डेल क्यू बाई डेल टी आ गया। और डेल क्यू बाई डेल टी इक्वल टू कितना होता है? करंट आई होता है। तो कितना आ जाएगा ये? आई अपॉन ये आ गया कितना मेरे पास? ए इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो दिस इज माई डेल ई बाई डेल टी। अगर मैं बोलूं कि वेन आई अप्लाई एम्पियर्स लॉ इन दिस सरफेस, अगर मैं सरफेस कौन सा लूं? ये वाला लूं, दिस इज प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। अगर मैं किसके लिए देखूं? फॉर प्लेन सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस के लिए मेरे पास आई इनक्लोज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो हमने पहले भी किया था। तो फॉर प्लेन सरफेस एक काम करेंगे, आई इनक्लोज इक्वल टू कितना होगा? आई होगा, आई इनक्लोज इक्वल टू आई, एंड ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं होगा? आंसर हाँ जी होगा। तो उठा के यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा मेरे पास कितना?
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये टर्म तो जीरो हो गया, बचा कौन सा वाला, सॉरी ये टर्म तो जीरो हो गया, बचा कौन सा वाला, ये वाला। तो ये आ गया मेरे पास कितना, म्यू नॉट इंटू आई आ गया। ये तो कब हुआ, जब हमारे पास क्या थी सरफेस, कौन सा था पहला वाला था, ये सरफेस था। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बलून सेप सरफेस ले रहा हूँ, तो दिस इज माई सरफेस, नाउ दिस इज माई सेकंड सरफेस। उस समय सेकंड सरफेस से आई इंक्लूड कितना था, जीरो था, लेकिन आंसर कितना आ रहा था, गलत आ रहा था। लेकिन यहाँ पर गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, एम्पियर्स लॉ को रिजॉल्व कर दिया है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो फॉर सेकंड सरफेस या बलून सेप सरफेस, बलून सेप्ड सरफेस, बलून सेप सरफेस के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आई इनक्लोज है वो तो जीरो हो जाएगा, वो तो पता ही है, आई इनक्लोज इक्वल टू जीरो, बट ई इक्वल टू कितना है मेरे पास, या फिर बट ई इक्वल टू कितना है, क्यू ओवर ए एफ साइन नॉट के बराबर है। और अगर ऐसे मैं डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी निकालूं, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, अभी मैंने निकाला, तो दैट विल बी इक्वल टू आई अपॉन ए एफ साइन नॉट। एक काम करो, ए वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल के आ गया, जैसे क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस दिस इज म्यू नॉट एफ साइन नॉट एंड इन टू, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, दिस इज आई अपॉन ए एफ साइन नॉट, डॉट कितना आ गया, डी आ गया। एंड आई एम अज्यूमिंग हियर कि आई एंड डी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन द एंगल बिटवीन आई एंड ए विल बी जीरो। तो कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो म्यू नॉट एफ साइन नॉट, तो आई कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एंड दिस इज ए एफ साइन नॉट, और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब मैंने क्या अज्यूम कर रखा है कि दीज प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इसके अंदर जो बलून का जो सरफेस एरिया होगा और इस प्लेट का जो सरफेस एरिया होगा, दो लगभग बराबर होगा, मैंने क्या करा, बहुत क्लोज है ऐसा बोल रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज बी डॉट डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्साइलन नॉट आई अपॉन ए एप्साइलन नॉट, और इनटू कितना आ गया, ये ए आ गया, ए से ए गया, एप्साइलन नॉट से एप्साइलन नॉट गया, तो दिस इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। टेने 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 टेने, वहाँ कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था, जब खाली एम्पियर्स लॉ लगा रहे थे, जब हमने मॉडिफाई करके लगाया, क्या आया दोनों ओर से, आंसर सेम आया। ये क्या है हमारे पास, मैक्सवेल लॉ की खूबसूरती है। तो मैक्सवेल लॉ ने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया किसको, सॉरी मैक्सवेल ने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया किसको, जो एम्पियर्स लॉ है उस चीज को। दिख रहा होगा आपको रिजॉल्व हुआ हुआ, दिख रहा है कितना मजा आया ना, मतलब यहाँ पर क्या था, करंट नॉन स्टेडी थी, चार्ज यहाँ पर पाइलअप हो रहा था, फिर भी आंसर क्या है हमारा, सही आया, ठीक है। तो दिस इज अवर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स, सॉरी एम्पियर्स लॉ, एंड दिस इज नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैक्सवेल की जो चार इक्वेशन है उनको एक साथ लिख दो, तो वो क्या हो जाएंगे हमारी, मैक्सवेल इक्वेशन। तो दिस इज हाउ मैक्सवेल इक्वेशन ओरिजिनेट, इस तरीके से क्या हुई, मैक्सवेल इक्वेशन ओरिजिनेट हुई, ठीक है। तो अब नाउ एट द लास्ट, तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या आ जाएगी हमें, मेरे पास मैक्सवेल इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, फटाफट लिख दो, दिस इज डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई एप्साइलन नॉट। इक्वेशन नंबर टू क्या हो जाएगी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर थ्री क्या हो जाएगी, दिस इज डेल डॉट ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी। और इक्वेशन नंबर फोर क्या हो जाएगी, दिस इज डेल डॉट बी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे प्लस का एप्साइलन नॉट इंटू डेल ई डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ म्यू नॉट भी है, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी। और यहाँ पर म्यू नॉट इंटू डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, जिसको हम जे डी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कभी कभी ऐसे लिख देते हैं कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे इज प्लस कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू कितना आ जाएगा, जे डी आ जाएगा, वेयर जे डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो जे डी इक्वल टू है वो क्या है मेरे पास, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी है। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके। दीज फोर आर नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो क्या किया मैक्सवेल ने बहुत मेहनत के बाद, बहुत नाम है मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स में, इतना नाम है कि आप लोग सेकेंड उससे ही सेकेंड या थर्ड हम क्या कर रहे थे लेक्चर यहाँ पर डिलीवर कर रहा था, आज 119 लेक्चर के बाद मैक्सवेल इक्वेशन तक पहुँचा हूँ, और आप लोग उसी दिन कहने लगे थे कि कल से मैक्सवेल इक्वेशन स्टार्ट कर दो, कल से मैक्सवेल इक्वेशन स्टार्ट कर दो। तो बाबू लोग ऐसे नहीं होता है, कम से कम 119 लेक्चर चाहिए,
और हर लेक्चर की लेंथ लगभग 40 मिनट की है ऑन एन एवरेज, कोई एक घंटे की है तो कोई 30 मिनट की है, तो ऑन एन एवरेज 40 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो इतना करने के बाद मैक्सवेल इक्वेशन तक हम पहुंचे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है यार। सच में आज मैं आपको अंदर से जो फीलिंग है ना मेरी, मतलब मज़ा आ रहा है पढ़ाने में कि मैं यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, और उससे बेहतरीन बात क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए। अब आगे भी मैक्सवेल, अभी तो स्टार्ट कर रखा है मैक्सवेल इक्वेशन, ये तो खाली कहती एक शुरुआत थी कि मैक्सवेल इक्वेशन के मैंने सिर्फ आज आपको दर्शन कराए हैं, और अब इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, अलग अलग मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशन को पढ़ना है, तो एक बहुत अच्छी जर्नी हमारी शुरू होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे ही जोश के साथ हम पढ़ते रहेंगे, और आप ऐसे साथ बनाए रखें, और बाकी क्या चाहिए मेरे को, ओके। तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।